व्यक्ति जितने सारी इंद्रियों को ढीला छोड़ देता है, अब जितने कष्ट करके रखेंगे ना, भगवान तक वो भाव नहीं पहुंच पाएगा। तो जितने सहजता आपके अंदर आए, जितने ढीले अपने आप को छोड़, जैसे योगा सिखाते समय धर्मनिष्ठान जी महाराज जो सिखाते हैं ना, तो सारे इंद्रिय जितने भी अंग प्रत्यंग है सबको हम लोग ढीला करते हैं, ऐसे भगवान का भजन करते समय भी ढीला करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल मन की तरंग मार लो बस हो गया।
सारी भावनाओं को उसमें विचार वृत्ति आपकी जो सोच है इन सब का अभाव करना पड़ता है। मन की तरंग मार लो बस भूल गया भजन। आदत पूरी सुधार लो। आपके अंदर स्वयं को पहले पहचानना पड़ेगा कि दुर्गुण क्या है, गलतियां क्या है, कमियां क्या है, अभाव क्या चीज है आपके अंदर। इन सब चीजों को जो साधक साधिका है पहले समझ करके फिर उसको दरकिनार करना, उसको हटाना। सबसे बड़ा भजन है, आप कितने भी ताली बजा करके भगवान के नाम लेके भजन करिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आदत को सुधार लेता है वो उससे भी बड़ा भजन है। जीवन में वो ही व्यक्ति सबसे महान बन सकता है जो अपने आत्म सुधार किया है, अपने आप को समझा है और समाज में जीता है। कैसे? जिसके अंदर एक भी बुरी आदत नहीं है। जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज थे, स्वामी चिदानंद जी महाराज थे, आए हैं तुम कहां से और जा रहे हो होता है, उसके पास क्षमा नामक अस्त्र होता है।
मच्छर गुनगुना रहा है उसको आप आराम से प्रेम से हटा दीजिए। मच्छर आपके हाथ पे पैर पे किसी भी अंग प्रत्यंग पे बैठा हुआ है उसको हटा दी, वहां से उसको मारे नहीं, क्षमा कर दी। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कहता है तो बड़े व्यक्ति की पहचान तो यही है, तो उसके प्रति क्षमाशील होता है। तो इसे क्षमा करना भी एक भजन है। दूसरी बात, वाणी का स्वर संभाल लो। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, जिसकी वाणी में मिठास है, मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणयंत पर गुण परमाणोन पर्वती कृत्य नित्यं निज हृदि विकसंत संति संत कियंत पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यं। दूसरे व्यक्ति के अंदर गलती नहीं, छोटा सा गुण है उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पहाड़ की तरफ व्याख्या करता है, उसके दुर्गुण को नहीं देखता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी महानता को बताता है, उसकी गौरव उसकी गरिमा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार वाणी से कभी किसी की बुराई नहीं करी, भले आप प्रशंसा करिए, दूसरे के हित की बात करिए, तो इसी से पता लगता है कि आप अपने वाणी को अपने अधीन में रखेंगे, वाणी आपके वश में। तो वाणी के स्वर को जो आप बोलने जा रहे थे आप संभल गए, आप रुक गए, ये जो रुक जाना है ये भजन है। आप बोलने जा रहे थे, क्या बोलते पता नहीं, क्या निकल जाता आपके मुख से, अमृत के जगह पे जहां भी निकल सकता है, यही साधना है। ये व्यक्ति लंबे समय तक पद्मासन मार करके पद्मासन लगा करके हिमालय में जा करके लंबे समय तक तपस्या करता है, लेकिन छोटी सी बातों में उखड़ जाता है। छोटी सी बात तो आपके हजार साल की जो तपस्या थी एक क्षण में जो है चकनाचूर हो जाती है, एक क्षण में नष्ट। हम लोग सोचते हैं कि हम 40 साल से डिवाइन लाइफ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, मंत्र लेकर के इतने दिन हो चुका है, लेकिन एक व्यक्ति एक छोटी सी बात कहता है उसको सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आपकी साधना जो है बेकार है। आप अपनी वाणी को नहीं संभाल पाते हैं, उसको अधीन में नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं कि वाणी को सुधारना, वाणी को संभालना, वाणी को सजा करके बोलना, और उसमें भी प्रस्फुटित मधुरिमा से युक्त प्रेमी शब्दों का प्रयोग करना साधना है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर भजन है उनका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको गाता हूं। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया
जाए तो करो, दूसरों के साथ में नेकी शब्द करते हैं अच्छाई। जितने आप अच्छाई कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, हित कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ये भजन है। दूसरों को सहायता देना, देखो सलाह हजारों व्यक्ति दे सकते हैं लेकिन सहयोग एक भी व्यक्ति नहीं देते। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों के जितने भी आप हित कर सकते हैं, अभी जैसे स्वामी जी महाराज मथुरा सेवा दिव्य जीवन संघ के जो पहला पहास है, पहली जो सीढ़ी है, वो जो सेवा है दूसरों के हित करने, जितने बन सके नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। जब ऐसा नहीं आप गिरी गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, आपके पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, शिक्षा है, संपत्ति है, ज्ञान है, उसको आप सदुपयोग करें। अगर ये सारे संसार की चीजों को आप क्या करें, आपके पास जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। सिर बदी कहते हैं सिरो नास्ति सिरो वेदना। अब हम लोग हर व्यक्ति कहते हैं कि गुरु महाराज सब करते हैं, दर्द हमारे सिर पे होता है, करते हैं वो, और जब जो करता है तो उसको वेदना होनी चाहिए, कष्ट उसी को होना चाहिए, झेलना तो वही चाहिए लेकिन दूसरे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो ये अहंकार का कार्य है, बोलना अलग है, प्रदर्शन करना अलग है, दिखाना अलग है। तो इस प्रकार जब सब चीज परमात्मा ही कर रहे हैं, गुरु महाराज कर रहे हैं, फिर व्यक्ति मत सिर बदी का भार मैं करूंगा, इस भाव को आप क्या करते हैं, करते हैं परमात्मा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा करता हम ही बन गई। सब चीज जब प्रकृति ही कर रही है वो समझता है मैं कर रहा हूं, इसको त्याग कर, ये बहुत बड़ा भजन है। अंतिम पंक्ति है अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता पिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता पिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता पिरे, अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को जो परमात्मा है उसको व्यक्ति ढूंढ रहा है। कभी काशी जाता है, कभी हिमालय जाता है, कभी सोमनाथ जाता है, कभी बद्रीनाथ जाता है, कभी केदारनाथ जाता है, सब नाथ को ढूंढ रहा है लेकिन स्वयं नाथों का नाथ वो है, स्वयं है, अपने आप को पहचाना नहीं अभी तक। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, अंतिम पंक्ति कण कण में अब निहार, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, पति देव भव, पत्नी देव, ये सब देवता ही तो है, इसमें दूसरा क्या चाहिए, दूसरा तो वहां है ही नहीं। लेकिन हम लोगों के जो भगवान माई के चक्षु प्रदान किए हैं, चर्म चक्षु के माध्यम से जब हम संसार को निहारते हैं, देखते हैं, संसार ही दिखाई पड़ता है। आप यदि भावात्मक चक्षु में, ज्ञानात्मक चक्षु से संसार को निहारते हैं तो हर कण में आपको परमात्मा दृष्टि गोचर होंगे, प्रत्येक चीजों में परमात्मा ही आपको नजर आएंगे। तो उसमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहां है सर्वम खल्विदम वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ,
ईशावस्त्रमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। ये जो वेद है, गीता है, इसके माध्यम से भगवान जो भी बताना चाहते हैं उसको अनुभव करने की कोशिश करें। सबके अंदर वही परमात्मा है। परमात्मा भगवान कोई पचासों नहीं है, हजारों नहीं है, एक ही परमात्मा है। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म।